हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से मैं दीपक प्रसाद ग्रीन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष जो है 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह क्वेश्चन जो है 2022 के एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए, ये पहले बता दे रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल के लिए है, ठीक है। इंग्लिश इसमें आपको जो है कुल जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें से आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 100 रहेगी। कितना रहेगा ऑब्जेक्टिव? आपका ऑब्जेक्टिव जो है 100 रहेगा, उनमें से आपको कोई भी 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन है, पढ़िएगा। आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू डिड दिस क्वेश्चन केयरफुली। सावधानी से पढ़िए और इसका उत्तर जो है लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग रेडी रहिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए में आपका जो है 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। याद रखिए, सेक्शन ए में 100 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिनमें से आपको 50 मार्क्स का सवाल को पिक करना है, बनाना है, ठीक है। तो चलिए समय बिना गवाए हुए आपको बता रहे हैं। लिखल है पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द पीस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द, क्या होना चाहिए, डॉक्टर या कॉर्ड मर्चेंट या लॉयर या मर्चेंट्स नेवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर कॉर्ड मर्चेंट। क्या हो जाना चाहिए? कॉर्ड मर्चेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। यू शुडंट बर्न दोज लीव्स इट्स बेड फॉर एयर। तो इसका उत्तर जो है, इसका भी उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़िए, 3 नंबर में देखिए, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ गिल्लू डिड नोट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ये नंबर ए है, में रन होगा या ईट होगा या स्लिप होगा या ड्रिंक होगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए बाबू रे? तो इसका उत्तर भी आपका सी ही हो जाएगा, ईट, ठीक है। अब हम 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर में है द ट्रूली इंडियन फिल्म सोल्ड स्टीयर्स क्लियर ऑफ। तो क्या इसका आंसर हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंसीज, ये इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए 5 में है, जेनी ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीजियस देन, क्या डायमंड होगा या कॉपर होगा या मेटल होगा या वेल्थ होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर डायमंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम इसके बाद देखिए, द बॉय एंड द गर्ल क्लाइम इनटू द क्या होगा, डॉट डॉट है बेड, इसका होगा स्वेलेड वार्म फ्लोवर और वैगन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है वैगन, ये इसका उत्तर जो है 6 नंबर होना चाहिए, माने इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट विदाउट क्या, सिविलाइजेशन होगा या हिस्ट्री होगा या वार होगा या
टॉलरेंस होगा। तो क्या होना चाहिए इसका, फटाफट बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हेन मैन स्टार्टेड फ्लाइटिंग टू गर्ल बिगेन टू डिग ए, क्या इसका उत्तर क्या होगा, रिवर होगा या स्ट्रीम होगा या ओशियन होगा या चैनल होगा, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्ट्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। अरे बढ़िया। इन द पीस फॉर लिविंग द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वार्म ए कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल डॉट डॉट कंट्री टाउन, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपका सी विलेज, सी होना चाहिए लिरिस, इसका सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर विलियम ओन सिंह जिम ट्राइड टू प्रिंटेड हीज, क्या एट द हॉस्पिटल, ए में है सी में कुकिंग है बी में स्लीपिंग है डी में नोट होम लिखा हुआ है, तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए बाबूरी, इसका उत्तर होना चाहिए डी नंबर, नोट होम, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाना चाहिए नोट होम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गिल्लू हाइड डॉट 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 आइज, गिल्लू के पास हाँ कैसा था, शाइनिंग शेड डी वैकेंट, क्या था, तो इसका हो जाएगा शाइनिंग था, ठीक है। क्या था, शाइनिंग, इसका आंसर हो जाएगा शाइनिंग, ठीक है। चलिए 12 नंबर में, द इंडियन फिल्म्स प्रोसेस या प्रोसेज डॉट डॉट टूल्स ऑफ फिल्म्स मेकिंग, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका उत्तर, ऑथर या प्राइमरी या टेरिटरी या सेकेंडरी, तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, टेरिटरी सी नंबर होना चाहिए, ये प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। 13 में है, द आइडियाज ऑफ डॉट डॉट अकॉर्डिंग टू एक्सलेंडर आर्ट शोल्डर नेवर, शोल्डर है शोल्डर नेवर बी गिवन अप, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होना चाहिए ए ह्यूमैनिज्म, ये ह्यूमैनिज्म जो है इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। आप लोग जो है पहले अपने से माइंड कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लोग का तैयारी होगा, देखिएगा मिलाइएगा कितना नंबर सही जा रहा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर में बढ़ जाते हैं अब हम। द यंग पीपुल इन वन अपॉन अ टाइम वेयर अनेबल टू होल्ड देयर डॉट डॉट, क्या है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, लाफ्टर है या क्रूनेस है, तो आपका उत्तर जो है 14 का क्या होना चाहिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, हैप्पीनेस होना चाहिए, तो ये बी आपका जो है ये होना चाहिए हैप्पीनेस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 15 नंबर में देखिए, 15 में द है द डॉट डॉट बिल्ट ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन, तो क्या होना चाहिए, हरपेन प्री आर्यंस वैदिक और है मोहनेजो डेरो, तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी वैदिक होना चाहिए, सी नंबर, नहीं वैदिक नहीं होना चाहिए आपका, प्री आर्यंस होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, द सेलिब्रेशन टाइम्स वाज क्या होना चाहिए, ईस्टर थैंक्सगिविंग क्रिसमस या न्यू ईयर, तो क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए ईस्टर होना चाहिए, इसका हो जाएगा ईस्टर, ठीक है। 17 नंबर में बढ़िए आगे। 17 नंबर में तो लिखा है द सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इन द विलेज इन द इवनिंग इज द डॉट डॉट, क्या होना चाहिए, टॉर्च बल्ब सन और
मूनबीम। विलियम कॉपर जो है द सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग विलियम कॉपर इन द विलेजेज इन द इवनिंग इज द क्या टॉर्च बल्ब सन और मूनबीम। क्या इसका उत्तर होना चाहिए बाबू रे, इसका उत्तर क्या होना चाहिए बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। इसका उत्तर मूनबीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूनबीम होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए। मून बीम। ठीक है, चलिए 18 में ए हैप्पी मैंस डेज पास। ए हैप्पी मैंस डेज पास माने एक खुशहाल आदमी का जीवन जो गुजरता है कैसे, ठीक है ना। तो हैप्पली या स्मूथली या सैडली या लिस्योरली क्या कैसे क्या बताइए। तो इसका उत्तर होगा आपका सी होना चाहिए, स्मूथली। क्या होना चाहिए? स्मूथली होना चाहिए। ठीक है, पोलोथीन्स बैग कैनोट बी। पोलोथीन बैग जो होता है कैनोट बी क्या करना नहीं चाहिए, पोलोथीन का जो बैग होता है उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं कि लव्ड माने प्यार नहीं कर सकते हैं कि किल्ड माने मार नहीं सकते हैं कि सौ दफना सकते। क्या क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर जो है आपका ए, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ए नंबर होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है, पोलोथीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए 20 नंबर में। डॉट डॉट थिंक्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। सीता, द्रौपदी, रुक्मिणी और राधा। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर होना चाहिए? डी राधा। इसका उत्तर क्या होगा बारे? राधा। ठीक है, हमारे विचार से आप लोग के विचार जो हो। 21 में देखिए, टू गेदर कोल्ड द रिच मैन टायर्ड ऑल एवेनियस मेथड्स ट्रिक्स गेम्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेथड्स। इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेथड्स, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर में। द पोर्टर डॉट डॉट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मील। क्या वॉक्स, स्विम्स, रन्स या क्लैम्प्स? क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी क्लैम्प्स। क्लैम्प्स हो जाना चाहिए इसका उत्तर, ये क्लैम्प्स। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 नंबर में। स्पीक वायर थे डॉट डॉट सो स्टीप। क्या लीव्स, ट्रीज, रोजेज और गार्डन? इसका उत्तर हमारे विचार से लीव्स होना चाहिए, लीव्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मार्था हाइड डॉट डॉट आइज। ठीक है, हाइड आइज कैसा था? ग्रे, बॉर्ड, ब्लू या ब्लैक? क्या था? ठीक है, इसका क्या होगा? तो इसका ए होना चाहिए, ग्रे। क्या होना चाहिए? इसका ग्रे होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बाबू, ये बुक है। क्या है? ये बुक से अभी पूछा जा रहा है, ये टोटल है आपका बुक से। ठीक, अगर आपको लिटरेचर यदि आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, समय बहुत कम है इसीलिए इतना डिटेल में जाएंगे तो समय नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम इतना डिटेल से अभी नहीं बता पाएंगे। आप लोग जो पढ़े होंगे उस बेसिस पे देखिए, समझिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आवे तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, बताएंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन बताएंगे। समय बहुत कम है बाबू, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बुक्स है इसीलिए बुक्स का लिटरेचर आपको जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 में। चलिए, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट। क्या नून टाइम, डिनर टाइम, मॉर्निंग टाइम और बेड टाइम? कौन टाइम होना चाहिए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बेड टाइम। उत्तर हमारे विचार से बेड टाइम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट स्लेड्स सॉफ्ट अवे। क्या नेचर, वेल्थ, ब्यूटी और टाइम?
टाइम, इसका उत्तर भी आपका जो है हमारे विचार से टाइम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द पोलोथीन बैग रिमेन्स डॉट डॉट विथ क्या, मेल्टेड, लॉस्ट, बरीड या बर्ल्ड, बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है हमारे विचार से, इसका उत्तर हमारे विचार से बी होना चाहिए था। ठीक है, ये चलिए इसके बाद चलिए। विद्यापति पोएम्स ही क्रिएट एंड रिवल द वर्ल्ड ऑफ क्या होना चाहिए, लैला एंड मजनू, राधा एंड कृष्णा, ठीक है, हीर एंड रंजन, रंजा, रंजा और राम एंड सीता, बताइए तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हमारे विचार से, हमारे विचार से सी नंबर, राधा एंड कृष्णा होना चाहिए। ठीक है विद्यापति, इसके बाद आगे बढ़िए। पेरिसेमी थॉर्न हुद पद्मा पद्मभूषण एंड मैंने डॉट डॉट अवार्ड, मैंने पद्मभूषण अवार्ड उसको मिला हुआ था क्या, ज्ञान ज्ञानपीठ को, सत्य अकादमी मिला हुआ था कि कलमा मनी मिला हुआ था कि लयल मन मिला हुआ था, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बॉरी ह्यू, इसका होना चाहिए हमारे विचार से बी, ये होना चाहिए। ठीक है, वाट किप्स द कोयल डॉट डॉट गेट चैरिट क्या, सेड, एंग्री, हैप्पी या प्रेस, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए लो, इसका उत्तर होना चाहिए डी, प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाइक ए बर्ड अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी प्रसाद देव कोटा हिज हेयर इज, ठीक है ना, ट्वेंटरिंग क्या, एम सिंगिंग, पेंटिंग, जंपिंग, स्विमिंग, तो क्या होना चाहिए बाबा, तो इसका उत्तर होना चाहिए हमारे विचार से सी नंबर, जंपिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जंपिंग। इसके बाद देखिए, द चिल्ड्रेन होल लिसिंग टू द मार्थाज स्टोरीज सेट ऑन देयर क्या, चिन लूटेड, आइज लूटेड, ठीक है, एल्बो लूटेड और हेड लूटेड, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर हमारे विचार से एल्बो लूटेड होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जेवरा स्टार्टेड बार्किंग व्हेन ही हियर्ड द नोज ऑफ सम क्या, कार्स, क्रॉड, ट्रक्स या एनिमल्स, क्या उत्तर इसका होना चाहिए तो इसका उत्तर होना चाहिए आपका डी नंबर, एनिमल्स, क्या होना चाहिए वह, एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंटी हिस्टामिनीज मे प्रोवाइड डॉट डॉट रिलीफ बाय मेकिंग द सिम्प्टम्स, ठीक है क्या, इसका क्या उत्तर होना चाहिए बुआ, 34 में इसका उत्तर बी होना चाहिए, ग्रांटेड नहीं, टेम्प्रोरी होना चाहिए बुआ, टेम्प्रोरी होगा इसका, इसका टेम्प्रोरी होना चाहिए, ये होगा ये। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इम्प्रेसमेंट द लॉयर प्लेड द डॉट डॉट क्या हुआ, विलियन, पियानो, गिटार, ड्रम, क्या होना चाहिए बुआ, इसका होना चाहिए सी नंबर, ड्रम होना चाहिए, नहीं ड्रम नहीं होगा इसका, जो है ना पियानो होना चाहिए, पियानो, ठीक है, पियानो होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर गेसलिसर ड्राइड ऑफ, गेसलर ड्राइड ऑफ क्या है, मलेरिया कैंसर सोलो स्ट्रेवेशन और टाइफाइड, क्या होना चाहिए, इससे जो बीमारी जो होती है जिससे लोग मर जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए बारे, इसका उत्तर बी यानी कैंसर होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए,
ये नहीं होगा बउआ, बिल्कुल गलत बोल दिए हैं। इसका बी होना चाहिए, ये स्लो स्टेवेशन होना चाहिए। ठीक है ठीक है, कतरनी मेंसिफाइड है सेंसिटिविटी प्रोटेक्टिव प्रीसेप्शंस ऑफ फीलिंग स्पेसिफिकली ऑफ वुमेन यंग मैन चिल्ड्रेन और द एज्ड। क्या होना चाहिए इसका सही, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर बी होना चाहिए, चिल्ड्रेन। ठीक है, इन द लेटर द डॉक्टर सेज दैट शी ट्राइज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हर। इसका क्या उत्तर होना चाहिए बुआ? इसका उत्तर सी होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए मदर होना चाहिए, इसका मदर होगा। ठीक है, मदर होगा। इसके बाद आ जाइए, द नरेटर इन लव्स डिफाइड लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड फॉर। क्या फाइव होना चाहिए कि टू होना चाहिए कि सिक्स होना चाहिए कि एट होना चाहिए? उसका मतलब नरेटर जो था लेखक लव डेविड फील्ड, ठीक है, लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड, मतलब उसका गर्लफ्रेंड कितने गर्लफ्रेंड के साथ वो रहता था, इसमें पूछा जा रहा है। तो फाइव टू सिक्स और एट, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? एट, एट होना चाहिए, एट था इसका। ठीक है, इसका देखिए, प्रेमचंद वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड, क्या हिंदी एंड प्रेमचंद जो थे, हिंदी एंड क्या उर्दू या तमिल या बंगाली या भोजपुरी? तो इसका होना चाहिए उर्दू, उर्दू। ठीक है, इसके बाद राणा एस पी सिंह हैज रिटेन ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन, आर्टिकल्स ऑन, इसका होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर होना चाहिए। ठीक है, द ओल्ड बैंकर हैड गिवन ए पार्टी डॉट डॉट ईयर अगो, क्या 17, 15, 16 और 20? ठीक है, पार्टी दिया था कितना साल पहले, ये ओल्ड बैंकर जो था, तो ये दिया हुआ था 15 वर्ष पहले, कितना 15 वर्ष पहले दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, डॉट डॉट वाज जॉन गैलवर्थीज फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क, क्या आइलैंड फेरिसिस स्ट्रेफी द स्किन गेम द लॉयलिटीज, क्या? तो इसका ये होना चाहिए आइलैंड फेरिसिस, ये होना चाहिए। चलिए, तो खतरनी मैनेज फील्ड्स स्टोरीज फ्लॉड इन द फुट स्टेप ऑफ, क्या अंटोन चेकोव, जॉन ऑस्टेन, जॉन गैलेसवर्थी और जेरेमी इलियट, इलियट क्या होना चाहिए? इसका अंटोन चेकोव होना चाहिए, इसका अंटोन चेकोव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलिए, आई स्पीक विथ प्रिजुडियस बिकॉज आई बिलोंग टू द डॉट डॉट ऑफ स्लो थिंकर्स। ठीक है, इसके इसका क्या होना चाहिए? पढ़िए पढ़िए, फैमिली स्कूल क्लास और ट्रेवल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका? तो इसका उत्तर हमारे विचार से ट्रेवल होना चाहिए, ट्री बी, ये डी नंबर होना चाहिए, ये डी होना चाहिए। ठीक है, द बिलोव्ड वाज द नरेटर्स, क्या था बेड साइड अल्टर्स अगो ओवर कॉन्फिडेंस या डी कन्फ्यूज साइड? तो इसका बी होना चाहिए, अल्टर अगो होना चाहिए। ठीक है, अल्टर अगो नहीं होना चाहिए, इसका ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। द ओमैन डज द ऑथर, 47 में देखिए, द ओमैन डज द ऑथर टर्म फॉर एनी एलिंगमेंट अबाउट मूवीज
हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज वाइफ और हिज फ्रेंड। तो इसका सी होना चाहिए, हिज सिस्टर होना चाहिए, हिज सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए, एक्सलेंडर पोप इज ए पोइट ऑफ द अर्लियर डॉट कंट्री, क्या सिक्स सेंचुरी की, एट की, सेवेंथ की, नाइन्थ। तो इसका हो जाएगा बी, सेवेंथ, ये होना चाहिए इसका, ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लियो टॉलस्टॉय स्टोरी इज अबाउट डॉट डॉट टू बॉयज, टू गर्ल्स, थ्री बॉयज और थ्री गर्ल्स। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए सी, माने टू गर्ल्स, टू गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। इसका 50 में, अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन, लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड डॉट डॉट, क्या सिंपल, कॉम्प्लेक्स, वाइब्रेंट और या डल, कैसा था। इसका 50 का हो जाएगा वाइब्रेंट, वाइब्रेंट हो जाएगा इसका, ये 50 का। चलिए 50 तक हो गया, आगे बढ़िए जाते हैं, जब ग्रामर आएगा तो बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अब चलिए 50 नंबर तो हो गया, 51 में चलते हैं। विच वर्ल्ड इज मी एंड द इकोलॉजी बीट इज नॉन एज फिफ्थ। तो इसका जो है 51 में क्या होगा, आप लोग अपना मन में मार्किंग पहले कीजिए, इसके बाद हम उत्तर तो बताएवे करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर 51 का क्या होना चाहिए, गार्बेज, इकोलॉजी, कंपोस्ट या लॉन। तो क्या होना चाहिए बुआरी, हीरो, इसका उत्तर होना चाहिए ए नंबर, ये, ठीक है। 52 नंबर में, आई डेवलप्ड कोल्ड फीट व्हेन इट केम टू ट्राइंग द नोट, केक साइलेंट है नोट, विथ द डॉट डॉट सेंट बॉय मैन गर्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉय, क्या होना चाहिए बड़ी, लो बॉय, ठीक है। आगे बढ़िए, व्हाट डज द कोइल्स वॉइस डू नोट द पोइट, क्या अटैक्स हिम, सिंग्स फॉर हिम या कर्न ए कैरेस हिम या वैकेस द पोइट्स सॉल, कैसा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, स्केर सिंह। लॉर्ड कृष्णा, प्रश्न है, लॉर्ड कृष्णा हैड नोट मेट डॉट डॉट फॉर्म सम टाइम, क्या देवकी, यशोधा, राधा और सुदामा, बोलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यशोधा, नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा राधा, क्या हो जाएगा, राधा होना चाहिए, महाभारत देखे होंगे तो पता चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद गिल्लू, गिल्लू इज बेस्ड ऑन ए ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बींग एंड ए या एन डॉट डॉट रिलेटिव एनिमल सिबलिंग और नाइबर, इसका हो जाएगा सी, यानी एनिमल, एनिमल होना चाहिए, एनिमल, ठीक है। चलिए 56 पे चलते हैं, डॉट डॉट द जर्म्स ऑफ द डिजीज, ठीक है, जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग इज फॉर्म द पोएम डॉट डॉट, क्या ओ टू सोलिडी गॉड मेड द कंट्री द एम्प्टी हर्स्ट और पोलोथीन बैग। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी हमारे विचार से, पोलोथीन बैग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। द लिस्नर एंड अरब, अरबिया बोलो, अरब आर रिटेन बाय, कौन लिखा है, ये तो किताब का नाम हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, वाल्टर डेला मेयर, विलियम ब्लैक, टी एस एलियट, जॉन कीट्स, कौन लिखा है।
तो इसको लिखने वाला का बच्चा का नाम है वाल्टर डेला मेयर। कौन लिखा है? वाल्टर डेला मेयर। ठीक है। जबरा लुक्ड डॉट डॉट एट द फायर, क्या सैडली एनर्जिली फियरफुली और हैप्पली? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, हैप्पली। क्या हो जाएगा? हैप्पली होना चाहिए हमारे विचार से। ठीक है। इसके बाद आ जाइए 59 में। द डॉक्टर रोट हर मदर दैट शी लर्न द मंत्र ऑफ मंत्र ऑफ लविंग डॉट डॉट फॉर्म हर, क्या फूड लर्निंग मैनेजमेंट पेन एंड, ठीक है ना, हार्डशिप। तो इसका क्या होना चाहिए बाबा? बी होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, द चिल्ड्रेन इज सन एंड मून वेयर मर्चेंट ऑफ द नर्सरी टू डॉट डॉट, क्या स्लीप होना चाहिए, गेट ड्रेस्ड होना चाहिए, ड्रेस्ड या प्ले या इट। इसका हो जाएगा आपका गेट ड्रेस्ड होना चाहिए, ये सी नंबर होना चाहिए। ठीक है। चलिए, हम 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं 61 में। देखिए कुछ कंडीशन है यहाँ पे फॉलो करना है आपको। लिखा है डायरेक्शन में, देखिए लिखा है 61 से 66, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो आपको लग रहा है ग्रामर है। क्या है? ग्रामर है। अब देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस ऑफ बाय हुम वाज इट प्रिंटेड। एक्टिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना, ये आपका पेसिव है, ये आपका पेसिव है। अब इसको करा है जो आपको जो है बताना है। तो इसका क्या होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए आपको ए नंबर, हु पेंटेड इट। ठीक है। क्योंकि वी टू बदलता है वाज और वेयर में बदलता है, तो हैज तो हो नहीं सकता है। ठीक है। ये होम अंत में हो नहीं सकता है। ठीक है। वाज शुरू में ये हो नहीं सकता है, तो ये आपका ए नंबर सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्टिव वॉइस में लेट दिस डोर बी शट, लेट दिस डोर बी शट। तो लेट द डोर बी शट जो है, तो क्या इसका होगा? तो लेट दिस डोर बी शट। इसका क्या होना चाहिए? यू हैव शट दिस डोर, या दे शट द डोर, या शट दिस डोर। तो यहाँ पे हमारे विचार से जो है, तो शट दिस डोर यहाँ पर सी नंबर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। इसके बाद चलिए लिखल एक्टिव वॉइस में पुटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस, पैसिव वॉइस। ठीक है। यहाँ पर देखिए एगो बाची बता दे रहे हैं यहाँ पर इज मेड है, इसका मतलब है जब V1 और V5 रहता है ना, तब ये बदलता है एम या इज या आर, तब होता है भी। ये बदलता है, यानी इससे पहले ये V1 या V5 में से कोई रहा होगा। ठीक है। तो अब ये देखिए एम या इज में रहा होगा। ठीक है। तो वी में, तो एम या ये रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए V1 या V5, तो V के साथ मेक सही है, तो यहाँ पर ये बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर आ गया वॉइस, आप आ गया एक्टिव वॉइस में। देखिए लिखा है आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। ये जो है आपका जो है वाज प्लस V3 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है यहाँ पे
ठीक है, तो ये वाज वेयर वी थ्री जो है तब रहा होगा जब वह सब्जेक्ट के बाद वी टू रहता होगा, तब ये इसे चेंज होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट के बाद वी टू रहा होगा तब इसे चेंज होगा। तो इसे मतलब वाज प्लस वी थ्री जब आया है तो इसे पहले सब्जेक्ट के साथ हमको वी टू लाना है। तो सब्जेक्ट के साथ वी टू कौन है? सब्जेक्ट के साथ जो है आपका वी टू कौन है? देखिए सब्जेक्ट के साथ आपका वी टू जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका जो है सब्जेक्ट है ही नहीं, द लगा दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द लेटर हैड, देखिए हैज दे दिया, यहाँ पे हैज हैज का तो कोई सवाल उत्पन्न नहीं हो रहा है। वाज वेयर हो नहीं सकता है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस सीधे वी टू रहेगा तभी वाज वेयर होता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, पेशी भाई से फिर देखिए, डोंट टच द स्विच, डोंट टच द स्विच, तो क्या होना चाहिए? डोंट टच द स्विच माने इसमें ये बोला जा रहा है कि स्विच को मत छुए, स्विच डू नोट, यहाँ पर देखिए डू नोट बी टच्ड 65 है। अब इसके बाद द स्विच मस्ट नोट बी टच्ड, द स्विच डज नोट बी टच्ड और द स्विच नीड नोट बी टच्ड, यहाँ पर देखिए वॉइस जो है ये भी डोंट टच, ये डोंट टच दिया हुआ है। ठीक है, द स्विच मस्ट नोट बी, यहाँ पर बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आएगा बढ़िया पैसिव वॉइस फिर है, समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस, तो देखिए एक बात बता दें, जब जब आपको जो है एम का यूज रहे या इज का यूज रहे या आर का यूज रहे, इसके बाद आपके पास भी फोर है, क्या है? भी फोर है, मान आई एन जी वाला, तो याद रखिएगा इसको कभी भी जो बनेगा तब बीइंग प्लस भी थ्री आएगा, बींग प्लस में वी थ्री, तो कहीं पर बींग दिख रहा है क्या बताइए? हाँ, तो यहाँ पर सी नंबर में दिख रहा है ना, तो ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहीं भी आपको जो है ना, देखिए आईएनजी वाला वर्ड्स दिखेगा वॉइस में तो याद रखिएगा बींग लग, तो बींग वाला आंसर सही हो जाएगा, जिसमें बींग रहेगा इसके साथ वी थ्री रहेगा, तो बींग जहाँ पर है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 से 72 में आपका आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, लिख लिया है डायरेक्ट स्पीच, द बॉय सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बॉक्स। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच बदलना है, द बॉय सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बॉक्स, तो इसका क्या होना चाहिए? तो एक बात दिमाग में दोहराइए, यहाँ पर द बॉय सेड दिया है तो डोंट, तो यहाँ पर डोंट, यहाँ पर देखिए एगो चीज, यहाँ पे देखिए हाइड का यूज किया गया है, तो यहाँ पे डोंट कहाँ से हो जाएगा? तो ये नहीं होगा। आगे बढ़िए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िएगा, तो द बॉय सेड आई डिडंट, डिडंट यानी वी टू, वी टू कौन चीज बदलेगा? वी टू हाइड प्लस वी थ्री, याद रखें नरेशन में एक बात बता दें, नरेशन में वो चीज़ हम बता दें, आप लोग को रूल पता होगा या नहीं, नहीं पता है आपको जो है ना वी टू का यूज रहेगा ना, तो याद रखिएगा हाइड प्लस वी थ्री में बदला जाता है, किसे? हाइड प्लस वी थ्री में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वी टू तो वी, ये तो वी टू है ना, हाइड वी टू है, हाइव तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग भर में जब सेड का प्रयोग होता है तो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का सभी टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यदि सवाल आपका देखिए, सवाल जो है आपका जो है कैसा है, सेड है और सेड है और यहाँ पे जो है हैड का यूज किया गया है, तो हैव तो कभी जीवन में हो नहीं सकता है, ये है तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, ऊपर वाला तो हो नहीं, ये बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोल्ड है, ठीक है, यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ से
टू से शुरू किया गया है तो क्या होगा? तो इसका होना चाहिए द प्रिंसिपल टोल्ड अस, टेल्स तो देखिए यहाँ पर टोल्ड है तो ये टेल्स होगा नहीं, ऑर्डर तो होगा नहीं, ठीक है, सेड तो हो नहीं सकता है, टोल्ड है तो इसका मतलब सेड के बाद कोई रिपोर्टिंग के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये तीन ठो नहीं हुआ, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा, देखिए दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पर एगो चीज़ ध्यान दीजिए, सेड है, ठीक है, यहाँ पर सेड है तो ये सेज तो हो नहीं सकता है, टोल्ड तो हो नहीं सकता है, टोल्ड होने का मतलब क्या है, सेड के बाद कोई वर्ब होना चाहिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है मी सी ये सब होना चाहिए तब टोल्ड होता है, ठीक, से तो हो नहीं सकता है तो ऑटोमेटिक है बी नंबर आपका सही है, ठीक है। फिर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर आई सेड टू माई सिस्टर आई बॉट यू ए डॉल, ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई सेड टू माई सिस्टर, तो सेड लगा हुआ है ना, तो सेड को तो जिस कैसे बदलते हैं, सेड क्या है बदलता है टोल्ड में, ठीक, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, माई सिस्टर है इसमें भी माई सिस्टर है, इसमें माई सिस्टर है, इसमें माई सिस्टर है, इसमें माई सिस्टर है, ठीक, यहाँ पर आ गया आपके इन्वर्टर कॉमा के अंदर वी टू, क्या आ गया वी टू, तो वी टू कौन सी बदलता है, हाइट प्लस वी थ्री में, हाइट प्लस वी थ्री में, हाइट प्लस वी थ्री में, तो हाइट प्लस वी थ्री है कहीं पे क्या, तो आपका ई भी हाइट प्लस वी थ्री है, ई भी हाइट प्लस वी थ्री है, आई है ना हाइट प्लस वी थ्री, चलिए ये डायरेक्ट या हाइट तो दिया नहीं तो ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया, अब इन दोनों में चुनना है कोनो एक, अब इन दोनों में कोई एक चुनना है, ठीक है, अब इन दोनों में कोई एक को चुनना है, अब इन दोनों में क्या होगा, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके पास जो है यस्टरडे है, तो ये यस्टरडे है तो ये यस्टरडे का यस्टरडे ही कर दिया, क्योंकि यस्टरडे को बदला जाता है प्रोविजियस डे में बदला जाता है, ठीक है, तो ये आपका उत्तर ए नंबर सही, आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए व्हेन डिड यू मीट माय ब्रदर सी सेड, सी आक्स्ट मी लिखा हुआ है, ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सी आक्स्ट मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सी आक्स्ट है, तो आक्स्ट देखिए कहाँ कहाँ है, वांट सी के साथ आक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सी आक्स्ट है, ऑटोमेटिक है सी आक्स्ट, इसमें है एगो इसमें, इसमें तो नहीं है तो ये कट गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब इन दोनों में से कोई एक सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है, अब यहाँ पर चलिए बदलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है, इन्वर्टर को मांगा डिड, डिड यानी वी टू, तो जब वी टू हो तो क्या बदलता है, हाइट प्लस वी थ्री में बदलता है, किस बदलता है, हाइट प्लस वी थ्री में बदलता है, तो यहाँ पर देखिए हाइट प्लस वी थ्री है ना, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो ये आपका सही हो गया, माने आपका दो नंबर बी आपका सही है, बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद चलिए 72 में चल रहे हैं, वरी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड हाउ लवली द स्किन इज, सीन इज, सीन इज, 72 में चलिए ही सेड है तो हाउ लवली, माने ये इसे आश्चर्य वाली बात आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ही एक्सलाइम्ड दैट सीन इज, द सीन इज वेरी लवली, सीन इज वेरी लवली, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इज हो नहीं सकता है, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेट लगा हुआ है तो इसके अंदर वाला जो इज जो है ये तो इज जो है वाज में बदलेगा, इज किस में बदलेगा,
इज क्या मतलब वाज और वेयर, क्यों, जब सेट लगा रहता है तब, तो अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है, ये हो नहीं सकता है, इसमें भी इज लगा है तो ये भी हो नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कोमा के बदला दैट का यूज होता है, तो इसमें दैट का यूज किया नहीं है, तो ऑटोमेटिक है सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, आगे बढ़िए। अब चलिए 73 से 79 में है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब में पूछा जा रहा है इसके अंदर कौन सा वर्ब समायोजित तो होगा। तो 73 में वह व्हेन आई ओपेंड माय आईज आई सॉ ए स्ट्रेंज साइट, यहाँ पे वी टू होगा, क्या होगा, वी टू, वी टू, इधर वी टू भर पास्ट, इधर भी पास्ट, ठीक है, बीच में, ठीक ठीक है। इसके बाद देखिए द हेड मास्टर डॉट डॉट टू टॉक टू यू, क्या वांटिंग, वांट, हैव वांट या वांट्स, द हेड मास्टर के साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद तो वी फोर होता नहीं है, हेड मास्टर में वी वन होगा नहीं, वी फाइव होगा, ठीक है, हेड मास्टर के साथ हैज का यूज होना चाहिए, हैव का तो होना ही नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। राधा, राधा के साथ देखिए, राधा के साथ जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ हम क्या बोले, वी फोर होता ही नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है, कौन, हाँ ठीक, राधा के साथ हैज होता है, तो हमेशा आप याद रखिए हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है, कौन सा रूप होता है, तीसरा रूप होता है, तो ये भी हो नहीं सकता है, सी नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना राधा के साथ जो है सब्जेक्ट प्लस वी फाइव या वी या वी वन दोनों में से एगो होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ बी आंसर सही है, ठीक है, आगे बढ़िए 76 पे चलिए। आप 76 में लिखल है वी डॉट डॉट अमेरिका द नेक्स्ट मंथ, देखिए यहाँ नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, अगले महीने की बात हो रही है, द विजिट सेल विजिट विजिटेड और वेयर विजिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे, वरी अगले महीना के बात हो रही, फ्यूचर की बात दर्शाई, फ्यूचर दर्शाया जा रहा है, तो फ्यूचर दर्शाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल सेल वाला बात होना चाहिए, माने ये होना चाहिए, ठीक है, ये आपका सी नंबर सही है। 77 में चलिए वरी हीरो लिखल है आई डॉट 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 फ्रॉम कनाडा, आई डॉट डॉट फ्रॉम कनाडा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, इज होना चाहिए, आर होना चाहिए, वाज होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ क्या होता है, आई के साथ क्या होता है, आर तो होता नहीं है, ठीक है, इज तो होता नहीं है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आई एम फ्रॉम कनाडा, मैं कनाडा से हूँ, तो यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 78 में लीसा एंड जानी डॉट डॉट रिपली हैप्पी बर्थडे, हैप्पी नाउ, क्या एम होगा, वाज होगा, वेयर होगा या आर होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, बड़ी ल 78 में क्या होना चाहिए, इसका बी उत्तर सही है, बी उत्तर सही है, दो आदमी है ना, तो यहाँ पे वेयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए
सेंट केयर स्टूडेंट्स ऑलवेज डॉट डॉट हाई मार्क्स। सेंट केयर जो स्टूडेंट होता है जो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देता है वो हमेशा क्या होता है, आर गेटिंग, विल गेट, गेट या गॉटन, क्या होना चाहिए? तो ये आपका उत्तर बी गेट होना चाहिए। पाते हैं बी उत्तर, ठीक है, बी उत्तर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़िए। इसमें प्रीपोजिशन की बात अब आ रही है, बबरी प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन पे आप ध्यान देना है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डॉट डॉट हिज सक्सेस। तो यहाँ पे ऑन हिज सक्सेस होना चाहिए, सी नंबर, सी नंबर होना चाहिए। आगे बढ़िए। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डॉट डॉट द ट्रूथ, क्या, टू द ट्रूथ, ओवर द ट्रूथ, इन टू द ट्रूथ, एट द ट्रूथ। यहाँ पे आपका ओवर द ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। कुंदन डिड नॉट अप्रूव डॉट डॉट, क्या होना चाहिए, टू हिज फादर होना चाहिए कि बाय हिज फादर होना चाहिए कि ऑफ हिज फादर होना चाहिए कि विथ हिज फादर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पिताजी, क्या, कुंदन डिड नॉट अप्रूव बाय, यहाँ पर होना चाहिए आपका ऑफ हिज फादर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बारे ऑफ हिज फादर होना चाहिए, ठीक है, बाय तो होने चक सकेगा। द थ्रू ए स्टोन डॉट डॉट द रिवर, रिवर इन द रिवर होना चाहिए कि ऑन द रिवर होना चाहिए कि इनटू द रिवर होना चाहिए, टू द, ये तो हो नहीं सकेगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इनटू तो कभी होगा, गति के लिए होता है। तो यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। माधव इज गुड डॉट डॉट इंग्लिश, माधव इज गुड डॉट डॉट इंग्लिश, क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश में, इन इंग्लिश नहीं होगा, ऑन इंग्लिश नहीं होगा, विथ इंग्लिश नहीं, एट इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। चलिए पचासी में चलते हैं। पचासी में निधि डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट डॉट डॉट हर हस्बैंड, क्या, फोर हर हस्बैंड होगा कि टू हर हस्बैंड होगा कि एन हर हस्बैंड होगा कि फ्रॉम हर हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, टू हर हस्बैंड, क्या होना चाहिए, यहाँ पर टू हर हस्बैंड ये होना चाहिए, सही है। चलिए आई एम वॉरिड डॉट डॉट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑन द एग्जामिनेशन या इन द एग्जामिनेशन या अबाउट द एग्जामिनेशन या ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑफ तो होगा नहीं, अबाउट होगा नहीं, इन होगा नहीं, ऑन ऑन हो जाएगा, ऑन द एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए आगे, इसको जो है स्पेल्ट वर्ड, इसको क्या करना है, 87 में कौन सा करेक्ट वर्ड्स है। देखिए कारपेंटर जो लिखल है, क्या कौन सही है, इसका कारपेंटर सी एच ए आर ए, क्या सॉरी कारपेंटर बोलते सॉरी करेक्टर, देखिए ये हमारे विचार से जो है आपका ए नंबर करेक्टर सही लिखा हुआ है। 88 पे आ जाइए, ये भी ए ही सही है, ठीक है। 79 में आइएगा, लिवलीहुड कौन सही है, तो इसका जो है ना हमारे विचार से बी नंबर सही है, ठीक है। अब 90 में चलते हैं बाबरी, 90 में बी है, ऐसे नहीं मरिएगा, अक्कर बकर शक्कर को वाला बात ये होगा, पिकुलियर, ठीक है। कानवे में चाहिए, नाइबर में कौन नाइबर सही है, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर होना चाहिए, ठीक है, बी ओ यू आर होना चाहिए, यानी ये आपका सही है।
डी नंबर सही है, डी नंबर सही है, ठीक है। नाइबर होता है, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर, ठीक है ना। चलो 92 में मेंटेन, मेंटेन कौन सही है आपका, मेंटेन जो है ये सी नंबर आपका सही लग रहा है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन आ गया, तुम्हें जाना नहीं था, तुम्हें जाना नहीं था, तो यू शुड नोट हैव गोन होगा कि यू शुड नोट, तुम्हें जाना नहीं था, क्या यू शुड नोट गो, यस यू शुड नोट गो, तुम्हें जाना चाहिए, सो हो गया। तो यहाँ पर शुड गो, यू नोट, नोट यू, यही यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर, यू शुड नोट हैव गो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक जज को ईमानदार होना चाहिए, एक जज को ईमानदार होना चाहिए, तो जज ऑनेस्ट, ये जज ऑनेस्ट ये तो हो नहीं सकता है, मस्ट बी ए जज ऑनेस्ट, ये भी आपका गलत है, ए जज मस्ट बी ऑनेस्ट, वाह 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 वाह, ये सी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यू वरी नोट, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। नीड यू नोट वरी, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, वरी यू नीड नोट, ये भी आपका गलत है, ठीक है। आपका डी नंबर सही है, क्या नंबर सही है आपका, डी नंबर जो है बिल्कुल 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 सही है, डी नंबर, ठीक है। अब चलिए 97 से 103 को, चूज द करेक्ट ऑप्शन, साइनोम ऑफ डेनी, डेनी का साइनोम क्या हुआ, इट अगेन, रिफ्यूर, रिफ्यूज और रिड्यूस, ठीक है। 97 का हमारे विचार से रिफ्यूज माने इनकार होता है, ये होना चाहिए। चिल्ड्रन ऑफ रियोनोवेट क्या होगा, लिटरियस, ब्रीफ, ग्रेट और फेमस, क्या होना चाहिए, 98 फेमस होना चाहिए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, फेमस, ठीक है। चलिए एंटोनिम उल्टा, अर्बन, अर्बन का क्या हुआ, सिविल, फॉरेन, रस्टिस और रूरल, इसका हो जाएगा आपका डी, रूरल, अर्बन रूरल, ग्रामीण और शहरी, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा हमारे विचार से। एंटोनिम ऑफ क्विट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, वायलेंट, इनकम्प्लीट, अनसर्टेन, क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए सी, वायलेंट, क्वाइट का, क्वाइट का वायलेंट होता है, ठीक है। ये होगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक स्टूडेंट्स, आगे सब्जेक्टिव है, ठीक है, आगे बताएंगे, देखेंगे, आप लोग बने रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे इसकी सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।